नमस्कार न्यूज़ टुडे इंडियार एक्सक्लूसिव विशेष प्रतिवेदने आपनादेर सकल के स्वागत। आमी जब बड़ाली आमार सहप्रतिनिधि राज एवं दीप्तर संगे ये मुहूर्ते जे खबर आपनादेर सामने सम्प्रचारित करते चलेछि ता शुनले निःसंदेह आपनाराओ फेर एक बार चमके उठबें। जे सुजाली के शांत करबार जन्नो कमला गाँव सुजाली के शांत करबार जन्नो तत्पर हो उठे तृणमूल कॉग्रेस से ही सुजाली फेर उत्तप्त हो उठे ठीक लोकसभा भोटे आगे। आज सन्धे नागाद ठीक इफ्तार समयकाले से ही एलिकाय गोष्ठी संघर्ष बला चले बदानुबादर फले उत्तप्त हो उठल एलिका से ही घटनार जेरे रीतिमत चांचल्य छड़िए अपने जान दी से एलिकार एक व्यवसायी एवं एक युवक गुरुतर आहत हो तथ्य रही है। आहत व्यक्ति तार नाम मोहम्मद हासिर बयस आनुमानिक 60 থেকে 62 বছর और छर्रा गुलीते आहत हो युवक मोहम्मद हासिब बयस आनुमानिक 18 থেকে 19 বছর। ये घटनार जेरे रीतिमत चांचल्य छड़िए चाप बाढ़ प्रशासन ऊपर घटनार परपर ही एलिका उत्तप्त हो उठे से एलिकाते प्रचुर परिमाणे पुलिस मोतायन करा हय एवं इस्लामपुर थाना थेके प्रचुर पुलिस के सेखाने मोतायन करा रही है। पाशापाशी घटनार परम्परार जेरे बेलझारी मोड़ एलिका उत्तप्त हो उठे एवं सेखाने फायर एंड इमार्जेंसि सार्विसेर अग्नि निर्वापन गाड़ी के पाठानो हय। घटनार जेरे चलछे चापान उतर कि बोलछेन सेखानकार तृणमूलेर नेतृत्व থেকে শুরু করে যারা ঘটনায় আহত হয়েছিল সেটা যেমন শোনাবো পাশাপাশি আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করার পর প্রথমে ইসলামপুর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র রামগঞ্জে ভর্তি করা হয় তাদের চিকিৎসার জন্য বেটার ট্রিটমেন্টের জন্য তাদেরকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে রেফার করা হয়েছে এমনটাই কিন্তু শেষ খবর অবধি জানা যাচ্ছে। এলাকায় পুলিশি টহল চলছে ফের কি অশান্ত হয়ে উঠবে সুজালী ঠিক লোকসভা ভোটের আগে এই প্রশ্ন বারবার ঘুরপাক খাচ্ছে ক্ষমতাসীন তৃণমূলের মধ্যে এবং এলাকার মানুষজনের মধ্যে। চলুন দেখে নেই কি ঘটলো আজকে সেখানে। ঘটনা না আমরা রোজা খোলার পর আমরা ঘুরে আসতেছি আমার মিটিং হয়েছিল আমরা আসতেছি ওরা বম ওই মাজারের দিকে একটা ঘটা ইয়ে আছে ওখানে কি করতেছিল আমরা কোন দিকে যাচ্ছিলাম যখন ধরার একটা ফাইরিং করে দিল দুটো আমার লোকগুলো সব ভিড়ে গেল আমি ঘোরালাম ঘুরতে পারিনি কেন ঝগড়াটা কিসে জানা আছে কথা কথা গুলি লাগছে আপনাকে ঘটনা ঘটে গেছে আমরা এখন বর্তমানে রামগঞ্জ হসপিটালে তদন্ত করছি। কিছু সমাজ বিরোধীরা মানে হাসিরের উপরে হামলা করে তার গুরুতরভাবে মাথা টাতা ফেটে যায় আর একজনের পর ছাব্বির নামে ওনার পরে ছল্লা গুলি লেগেছে সেটা তদন্ত করছি কারা করছে কে করছে সেটা নিয়ে আমরা তো পুলিশকে বলেছি তদন্ত করতে দোষীরা যারা তাদের যেন শাস্তি হয়। কয়জনকে গুলি লাগছে? একজনের ছল্লা গুলি লাগছে একজন মাথা ফেটে গেছে এখন গ্রামে কয়জনকে কতজন জখম হয়েছে তা জানি না আমরা ইসলামপুর রামগঞ্জ হসপিটালে আছি। কারা করেছে এটা কিভাবে কি মনে হচ্ছে কারা করেছে? এরা সমাজ বিরোধীরা করেছে। কেন কিসের কারণ এটা গোষ্ঠী আমরা দেখছি रोजा खोल के मतलब ये जो है कल एक कोई गाड़ी लेके आया था तो गाड़ी में आग लगा दिया गया था और उसके बाद जो है उन्होंने गाली गुप्ता किया है किसी का नाम लेके नहीं दिया इस तरह से एक आम गाली होता है इस तरह से गाली दिया तो वो गाली जो है उनको तो ठोस पहुंचा बता रहा है तो उस वजह से आज उस बंदे को कहीं पे इफ्तार करने के लिए रास्ते से जा रहा था तो उसको पकड़ लिया गया। उसको जो भी है धक्का मुक्का किया पहले उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं करा चुपचाप घर गया उन्होंने कंप्लेन किया पुलिस को कंप्लेन किया पुलिस को कंप्लेन के बाद ढुलिका मोड़ में जब आया जब रिटर्न हो जा रहा था उसके बाद उसको
उसके ऊपर हमला करना चालू कर दिया। तो उसके बाद गांव वाला दो चार जने जो इकट्ठा हुआ, उसके बाद उन्होंने फिर क्या करा, गुली गाला चलाना चालू कर दिया। उसके बाद एक लड़का का सर पे गुली लगा है, जो उसका दिल्ली से आने का एक घंटा नहीं हुआ था, वो घर पे आकर के बस घर में ही बैठा हुआ था, घर में आकर के उसने गुली गुली किया। एक ये दुकानदार है, दुकान में बैठा हुआ था ये, उसको दुकान से निकाल के या दुकान में जाकर के उसको मारपीट किया। ये क्या है, ये हम लोग का टीएमटी का समर्थन है, हम लोग का टीएमसी का पार्टी कर रहा है। वो निर्दल क्या है, जो अभी जो सामने इलेक्शन था वो निर्दल, हम उनके बातों में निर्दल ना करने का ये सजा भुगतने का भुगत रहे हैं हम लोग। तो अभी जो पुलिस वहां पे गया हुआ, अभी पुलिस प्रेजेंट था वहां पे, एक गाड़ी पुलिस प्रेजेंट था, बाकी स्टेटमेंट पुलिस देगा यहाँ का, जो रामगंज फाड़ी का पुलिस है। बोल रहे थे जो क्या कहते हैं, एक आदमी के सर पे लगा, उसका अवस्था भी अच्छा नहीं है, उसको मेडिकल रेफर किया। उसको अभी मेडिकल रेफर किया, जो सुनने में आया, इसको भी जो गोली लगा जिसको, उसका भी रेफर किया है सिलीगुड़ी मेडिकल। तो देखो क्या करता है, पुलिस के ऊपर छोड़ दिया, प्रेजेंट पुलिस था उनके सामने, पुलिस के सामने गोली गाला किया है, ठीक है। जो उसके बाद रामगंज इस्लामपुर से जो पुलिस आया, उनके सामने भी दो चार गोली हुआ है। तो देखो पुलिस क्या करता है, हम पुलिस के ऊपर आस्था रख रहे हैं। अगर पुलिस प्रशासन जो है वो अगर इसको हम लोगों का जो है जो न्याय दे सकता है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग आम पब्लिक क्या करेंगे, हम रास्ते पे बैठ जाएंगे, रोड पे धरना देके बैठ जाएंगे, हम कानून हाथ में नहीं लेंगे। बोल रहे थे कि जो आप पुलिस में केस वेस करेंगे या क्या करेंगे, क्या नहीं, ये तो जाहिर सी बात है, केस तो होगा ही, ये तो केस होगा। ये आज से नहीं, तकरीबन 5 से 7 महीना से हम लोग पुलिस को ही कंप्लेन कर रहे हैं, कानून हम अपने हाथ में नहीं लेंगे, पुलिस के ऊपर हमारा आस्था है। पुलिस अगर प्रशासन इसका निर्णय विचार नहीं करेगा, उसको गिरफ्तार नहीं करेगा, जब तक उसका गिरफ्तार है उसके ऊपर 100 से ऊपर मुकदमा हो चुका है ऑलरेडी। पुलिस जो है, पुलिस अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं कर पा रहे, वो फरार भी है, उसका जो साथी लोग है, उसका भाई अगर है, साथी तो कोई है नहीं, बाहर का कोई नहीं है, जो उसका साथी है, जो भाई लोग है, सिर्फ वही लोग है, जनशून्य हो चुका है। देखो टीएमसी सब लोग, हम लोग टीएमसी कर रहे हैं, वो लोग निर्दल, आज के डेट में भी निर्दल का अभी तक वो लोग निर्दल में सपोर्ट कर रहे हैं, अभी भी लोगों को मतलब एक तरह से खींच रहा है जो हम लोगों के साथ जुड़ो, वो लुटियाखोर है, 12 साल तक उन्होंने लूटा है, एक भी जो हमारा सुजाली अंचल में 100 में से 100 आदमी को उन्होंने लूटा है, उसके अलावा कुछ नहीं किया। बोल रहे थे जिसके बारे में ये लोग जो उनके वालिदैन जो कह रहे थे, जो लोग इसको मारे हैं, उन लोगों का अभी तक प्रधान के पद में उनकी मिसेस प्रधान है, तो उसको कैसे कैसे कहेंगे? बिल्कुल, मतलब हमने सामने उनको मारा है, वो क्यों नहीं पहचाना, एक ही गांव का, एक ही साथ दीवार उनका घर का टच लगा हुआ है, तो क्यों नहीं पहचानेगा, सब लोग पहचानेगा। बाकी जो है यहाँ पे जिसको गोली लगा उसको पूछिए, वो स्टेटमेंट देगा। बाकी वहाँ पे एक का हाथ नाक सब तोड़ दिया, सर फोड़ दिया, वो भी बताएगा। ये तो सामने की बात है, इफ्तार के बाद जो घटना हुआ ये बहुत मतलब बयान नहीं कर सकते, इस तरह से घटना करेगा रमजान के महीने में। आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल सत्तर, अंचल साहब। मुझे बाकी क्या हुआ क्या नहीं वो सब नहीं पता। मेरे वालिद साहब किसी काम से जा रहे थे, मेरा बाप, वो लोग रास्ते में पकड़ के, इसमें से रहीम था, रहीम का भाई हसन था, और उसका भाई पलटू था, और अंसारुल था, ये सारे थे, और उन लोगों ने पकड़ के हमारे, मेरे अबू के साथ गांव वाले कुछ जा रहे थे, जैसे उन लोगों के हाथ में हथियार या कुछ डंडे देखे वो लोग भाग गए, और मेरे अबू को पकड़कर ये लोग मार ले, मेरे अबू मुंह के बल गिर गए, उसके नाक पे गहरी चोट आई है और पीछे चोट आया है, अभी उसको होश नहीं है, अभी डॉक्टर बोल रहे हैं कि उनको मेडिकल करना पड़ेगा सिलीगुड़ी, उनकी हालत काफी खराब है। और ये सब जो है ये अब्दुल नेता के मतलब सहानुभूति उसके मतलब इशारे पर हो रहा है, वो चाह रहे हैं कि वो लोग जैसे पहले अपना मतलब दबदबा कायम रखते थे, अभी भी वैसा वो लोग अपना दबाव रखना चाहते हैं लोगों पर, अभी भी हम लोगों को दबा के रखना चाहते हैं, हम अपनी शिकायत किसी के पास लेके जा भी नहीं सकते हैं, ये हाल करके रखा है। तो आपका मतलब ये है कि अब्दुल के नेतृत्व में ये सब उन्हीं के नेतृत्व में हो रहा है, और कोई है ही नहीं इसमें। और जो जैसे सुनने को मिल रहा है गोली भी चलाया गया, कौन चलाया गया है? एक दो जन को गोली भी लगी है। फिलहाल मैं अपने पेशेंट को लेके परेशान हूँ, मैं दूसरे को क्या देखूँ, अभी क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं मुझे नहीं। घर कहाँ है आपका? हमारा घर ढूली गाँव है। क्या नाम है आपका? मुख्तार आलम। आपका पापा का नाम? मेरा पापा का नाम मोहम्मद हसीर है। मैं उसका तो आज के की हुई हमारा तो घटना जानी ना, हमारा तो इस्लामपुर बाजार थे मीटिंग पड़े तरह बाजार कर लम बजार कर बाड़ी एस बाड़ी एसे सुनल मारपीट तर सुनजी देवे দু তিনজন গুরুত্ব জখম হয়েছে, আমরা হসপিটালে আসলাম, হসপিটালে দেখছি
আসামি কি পেশনগুলাকে এফআইআর করে দিয়েছে মেডিকেল। কার কার মধ্যে মারপিট হয়েছে? কার কার মধ্যে মারপিটটা হয়েছে এখন আমরা সঠিকটা বলতে পারছি না। গুলি চালাচালি গ্রামের লোক ওখানকার বলছে গুলি চালাচালি হয়েছে, কত রান গুলি চালাচালি হয়েছে সেটা আমি তদন্ত করে জানাবো। আপনি তদন্ত করে জানাবেন? হ্যাঁ, লোকগুলো জানাবো। কয়জনকে লাগছে? কয়জনকে লাগিয়েছে এখন তিনজনের কথা শুনে যাচ্ছে, আমরা তো দেখতেও পারিনি। রহিম ছিল, তারপর আবুলের ছেলেগুলা ছিল, সব আব্দুলের লোক। কি কি কথায় ঝামেলাটা কিসের জন্য, কেন হয়েছিল? কেন হয়েছিল সেটা তো আমি আর বলতে পারছি না। আপনাদের কাউকে গুলি লাগছে কি? আমার ছেলেকে লাগছে। কোথায় লাগছে গুলি? গুলি মাথায় লাগছে। ছাড়া গুলি না এমনি? ছাড়া লাগছে। কয়জনকে গুলি লাগছে জানা আছে? জানা আমি আমার ছেলেটাকে লাগছে। এখন ছেলে কেমন আছে? এখন ছেলে তো এখানে ভালো নাই, আমার মেডিকেল করতে হবে। কি নাম আপনার ছেলের? সাবির আলম। বয়স কতটা হবে? তার 22 সাল। কি নাম আপনার? আমার নাম উসমান আলী।